सहकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद द्वारा स्थापित देवगिरी फिटनेस क्लब से आयोजित आरोग्यम धन संपदा कार्यक्रम के इस सत्र में मैं मृणाल अत्रे सभी उपस्थित परिजनों का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ योग के क्षेत्र की बड़ी हस्ती श्री जितेंद्र परमार तथा उपस्थित सहकर्मी ग्राहक सबका स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सभी के उत्तम आरोग्य की कामना करते हुए बैंक के माननीय अध्यक्ष श्री किशोर शितोले सर की प्रेरणा से इस सत्र का आयोजन किया गया है। योग द्वारा तन की तंदुरुस्ती और चित्त की स्थिरता पाई जा सकती है, यह सभी को ज्ञात है। योग हमें अनेक रोगों से मुक्ति पाने में, उन्हें नियंत्रित करने में भी सहायता करता है। सर्वसामान्य रूप से पाए जाने वाले मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए कुछ आसनों का हम आज के कार्यक्रम में अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम मैं माननीय श्री किशोर शितोले सर का परिचय देना चाहूंगी। सर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य हैं तथा एक यशस्वी उद्योग है, जलदूत एनजीओ के अध्यक्ष हैं और उसके अंतर्गत युवकों के साथ जल संवर्धन के अनेक उपक्रमों का नेतृत्व करते हैं। बैंक में नए उपक्रमों की शुरुआत करते हुए सर सबको प्रेरणा देते रहते हैं। बैंक के सम्माननीय अध्यक्ष श्री किशोर शितोले जी से अनुरोध करती हूँ कि वे आज कार्यक्रम की प्रस्तावना करें तथा कार्यक्रम के मार्गदर्शक श्री जितेंद्र परमार जी का परिचय दें तथा स्वागत करें। देवगिरी बैंक की ओर से मैं सभी दर्शकों का आरोग्यम धन संपदा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिछले कई महीनों से देवगिरी बैंक ने आपके लिए आरोग्यम धन संपदा का विषय शुरू किया है और इस श्रृंखला को लेके हम मानसिक और शारीरिक सुदृढ़ता के लिए आपके सामने एक नए नए विषयों को लेके अच्छे प्रशिक्षकों को लेके आते हैं और इस विषय में एक सामाजिक हमारे दायित्व लेकर देवगिरी बैंक आप सभी के साथ जुड़ी रहने का प्रयास कर रही है। इस श्रृंखला के आज की कड़ी में हम देखेंगे कि डायबिटीज के बारे में हम बहुत चर्चा सुनते हैं। डायबिटीज, मधुमेह एक बहुत ही तकलीफ देने वाली ऐसी एक बीमारी है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में 422 मिलियन लोगों को तक ये जो बीमारी है पहुंच चुकी है और भारत में इसका सबसे अधिक प्रभाव दिखने लगा है। भारत के कुल आबादी के 5% मधुमेही आज है और दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है इसका? हम देखते हैं कि हमारी जो जीवन शैली है वो है, हमारा बढ़ता वजन है, असंतुलित आहार है, व्यायाम का अभाव है, कम मात्रा में नींद लेने का कारण हो सकता है। ऐसी सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमारा जीवन बहुत ही भागदौड़ वाला और काफी हम जिसकी ओर ध्यान नहीं देते, काम सारे हमारे दिन भर के कामों का तनाव हो सकता है। इन सारे चीजों के कारण डायबिटीज बहुत ही गति से फैलता जा रहा है और इसके कारण हम देखेंगे कि इसके जो लक्षण होते हैं कि जो हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, थकावट महसूस करते हैं, नजर हमारी कमजोर होने लगती है, बार बार भूख लगने का एक कारण उसमें दिखाई देता है, वजन कम भी बहुत जल्दी होता है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, बार बार मुंह सूखना ऐसे होता है। तो ये सारे लक्षण ये मधुमेह के हो सकते हैं और हम इस पे थोड़ा भी दुर्लक्ष करें तो ये हमारे जिंदगी के साथ एक बार जुड़ गई तो हमारे अंत तक रहती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति ने एक बहुत अच्छा वरदान हमें दिया है, वो है योगा का, और योगा का उपयोग करके हम इस बढ़ते मधुमेह को नियंत्रित कर सकते हैं,
हमेशा के लिए समाप्त करने कर भी सकते, लेकिन वो एक योगा तरीके से एक प्रशिक्षित प्रशिक्षकों से हम अगर सीख पाए तो इस मधुमेह को हम नियंत्रित कर सकते। और मैंने जैसे कहा कि ये जो लक्षण है ये हर एक बढ़ती उम्र हो ऐसा ही नहीं है, तो आज छोटे बच्चे भी हो तो उनको भी मधुमेह के लक्षण और मधुमेह होने के बहुत सारे केसेस आजकल दिखने लगे। तो आज देवगिरी बैंक ने आपके लिए ऐसे एक प्रशिक्षक को हम ले आपके सामने ले आए जिनका नाम है श्रीमान जितेंद्र सिंह परमार। जितेंद्र सिंह परमार बहुत ही कुशल और प्रशिक्षित ऐसे योगा इंस्ट्रक्टर हैं। इंदौर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ योगा में वो पढ़ाते हैं। इंदौर क्लब जो है वहाँ पर भी वो बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं। उनकी विशेषता जो है वो सर्वाइकल पेन, बैक पेन, डायबिटीज़, हाई बीपी, माइग्रेन, इस पर उन्हें विशेष प्रशिक्षण और उनका विशेष अभ्यास उस पर है। 2000 से ज़्यादा उनके अध्यायी आज तक के हैं और हजारों मरीजों को उन्होंने नई जीवन शैली दी है। श्रीमान जितेंद्र सिंह परमार जी का मैं देवगिरी बैंक की ओर से स्वागत करता हूँ। परमार सर हमारे साथ अगली 4 कड़ियाँ इस आरोग्यम धन संपदा की कड़ियों में जुड़े रहेंगे और ये पूरा विश्वास है कि डायबिटीज, मधुमेह, ये कितनी भी जानलेवा या परेशानी वाली बीमारी हो हम उस पर नियंत्रण कर सकते अगर हम इस योगा को हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा बनाए। और परमार सर जैसे प्रशिक्षित विद्वान प्रशिक्षक हमारे साथ है और वो मैं से निवेदन करता हूँ कि वो हमारा इस आरोग्यम धन संपदा का देवगिरी बैंक का इस कड़ी में हमें मधुमेह के बारे में योगा का प्रशिक्षण दे। आदरणीय श्रीमान जितेंद्र सिंह परमार जी, मैं आपको और टीम का अभिवादन करता हूँ जो आपने मुझे इस मधुमेह जैसी बीमारी के लिए आपके प्लेटफॉर्म पर आने का निमंत्रण दिया। जैसा कि सर ने भी बताया, मधुमेह किन कारणों से होती है, क्या क्या उसके लक्षण हैं, कैसे हम उस पर रोक कर सकते हैं। मधुमेह के कई कारण हैं जिसमें हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मधुमेह में विशेष इसका है कि हम शारीरिक परिश्रम कम करके मानसिक परिश्रम ज़्यादा करते हैं और शारीरिक परिश्रम की कमी हो जाती है। हमारे खान पान पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं, इससे यहाँ रोग और बढ़ता ही जाता है। तो अभी हमारा जो पूरा सत्र है वो मधुमेह के ऊपर ही है। इसमें कैसे उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, अगर हम नियमित अभ्यास योगाभ्यास करते हैं तो हमें मधुमेह से कंट्रोल करके उस पर हम पूरा उसे क्योर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी कार्य को करने से पहले प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। पहले हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद हमारा जो भी पूरा सत्र है वह उसमें हम इस आसन, प्राणायाम और कुछ क्रियाएँ हैं इनके कॉम्बिनेशन के साथ हम अभ्यास करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु, मा वीर्यावहै। इस पूरे सत्र में पहले हम श्वसन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। श्वसन क्रियाओं के अभ्यास के बाद इसमें कुछ आसन है, कुछ प्राणायाम है और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, उनका मैं आप लोगों को निर्देश दूंगा। जैसा मैं निर्देश दूं वैसा आप लोगों को करना है।
पूरे अभ्यास में श्वसन क्रियाओं के समय हम आंखें खोल के रखेंगे। श्वसन क्रियाओं के बाद हमारी आंखें बंद रहेगी। आंखें बंद रहने से तात्पर्य है कि हमारा पूरा ध्यान उन क्रियाओं पर रहे, उन आसनों पर रहे जिनका अभ्यास हम करेंगे। तो सभी लोग खड़े हो जाइए। खड़े होकर हम श्वसन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। श्वसन क्रियाओं में चार प्रकार की श्वसन क्रियाओं का हम अभ्यास करेंगे। पहले खड़े होकर दोनों हाथ सामने लाना है। दोनों हाथों की उंगलियों में थोड़ा सा अंतर रहेगा, उंगलियों को टाइट नहीं करना है, अंदर छोड़ के रखना है। तो सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और छोड़ते हुए वापस आएंगे। मैं काउंट करूँगा, आप लोगों को काउंटिंग के साथ करना है, 10 टाइम्स करेंगे ताकि हमारा केस ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड। दोनों सामने रखें, 1। दोनों हाथ पीछे ले जाते समय सांस भरना है, आगे आते समय छोड़ना है, 10। इस अभ्यास में पूरा ध्यान श्वसन क्रिया पर भी है, प्रयास करेंगे। दोनों हाथ जब हम सांस भरते पीछे ले जाएंगे, हमारा पूरा चेस्ट और अब्डोमिनल ब्रीथ करनी है, पूरा पेट का सांस भरना है। तो जब जैसे ही आगे आएंगे तो पूरा तो सांस करना है, तो पूरा ध्यान हमारा उसी पर रहे। कोशिश करना है कि हमारा ध्यान इधर उधर ना जाए, श्वसन क्रिया पर ही लगा हुआ रहे। दूसरी चेक करेंगे, सीधे कराइए दोनों हाथ सामने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इतना अभ्यास किया है, एक बार लंबा गहरा श्वसन लीजिए। 10 बार अभ्यास करने के बाद 20 सेकंड लंबा गहरा श्वसन लेंगे ताकि हमारी बड़ी ही श्वसन गति को हम सामान्य अवस्था में ला सकें। और फिर इसका तीसरा राउंड तो हम आपके सामने लगाइए, 5, 6, 7, 8, 9, 10. लंबा गहरा श्वसन, डीप ब्रीथ करिए, 2 से 3 बार लंबा गहरा श्वसन, लंबा गहरा प्रश्वास, शरीर को तैयार करिए अगले राउंड के लिए। अब हम चौथा राउंड करेंगे। इसका दोनों हाथ सामने लाइए, सांस भरते पीछे, छोड़ देंगे वापस,
लंबा गहरा श्वसन, डीप ब्रीथ, दो से तीन बार लंबा गहरा श्वसन करें। साधारण करके बाहर निकल दूर कर, छोड़ दो बाहर। Three.
5, 6, 7, 8, 9, 10. वाह, लंबा गहरा प्रश्न और लंबा गहरा प्रश्न। हमारे क्वेश्चन इससे कंप्लीटली स्टेप के लिए तरीके तैयार करना है। हर एक स्टेप में पूरी अनुसार की स्टेप होती है। और इससे करें अशु संकरण, अशु संकरण के लिए आप बैठ जाइए। दोनों हाथ सामने रखिए, दोनों पैर पीछे ले जाएंगे। सांस भरते हुए वन जब मैं बोलूंगा तब आपको राइट लेग अगर लेकर आगे लेकर आना है सांस भरते हुए, और छोड़ते हुए वापस जाना है। वन काउंट में 2 में लेग चेंज करेंगे, लेफ्ट लेग बाया पैर लेकर आएंगे, सांस भरते हुए और छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। काउंटिंग के साथ करना है। इसमें जिन लोगों को घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। दोनों हाथ सामने रखिए, दोनों पैर पीछे ले जाइए। 1, राइट लेग आगे लेकर आइए, सांस भरते हुए छोड़ते हुए वापस। 2 में लेग चेंज, बाएं पैर लेकर आइए। 2, 3, बाएं पैर छोड़ते हुए वापस। 5, 6, 7, 8, 9, 10. वज्रासन में बैठ जाइए। लंबा गहरा सांस और लंबा गहरा प्रश्वसन के लिए बड़ी ही हृदय गति को सामान्य अवस्था में लेकर आए। विशेष ध्यान रखना है हमारी हृदय गति और पेट की गति। हम अभी जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास से हमारी हृदय गति बढ़ रही है, पेट की गति भी बढ़ रही है। बीच में थोड़ा सा लंबा गहरा प्रश्वसन 2 से 3 बार लेकर शरीर को अगले अभ्यास के लिए तैयार करना। पहली स्टेप और सेकंड स्टेप के हमने 4-4 राउंड किए थे, अभी थर्ड और फोर्थ को हम 2-2 राउंड करेंगे। सेकंड स्टेप वापस हो गई। सेकंड स्टेप के लिए अब इसमें और सुविधा के लिए अगर पैर को दोनों हाथों के बीच में लाने में ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप पैर को दोनों हाथों से बाहर भी ला सकते हैं। बाहर रखेंगे तो थोड़ा सा ये ईजी हो जाएगा करने में, ये भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड राउंड 1, 2, 3, पूरा ध्यान आपका श्वसन पर, ज़्यादा से ज़्यादा सांस भरनी है और ज्यादा से ज्यादा छोड़ना है। थोड़ा सा देना 5, 6, 7, 8, 9, 10. वज्रासन में, उठासन में, आसन में आपको
आरामदायक लगती है, वगैरह को सहन और हृदय गति और शरीर की गति को सामान्य अवस्था में लेकर आए। शरीर को अगले अभ्यास के लिए तैयार करने के लिए 2 से 3 बार लंबा गहरा सोच। फोर्थ स्टेप में इसके हम 2 राउंड करेंगे, थर्ड वाली के 2 राउंड। फोर्थ स्टेप के लिए भुजंगासन और पर्वतासन का अभ्यास करें। फिर इसी दोनों हाथ सामने लेकर आइए, हाथ हाथ खींचते जाइए। भुजंगासन में श्वास भरते हुए ऊपर जाना है और पूरा प्रश्वसन करते हुए पर्वतासन। आसन को भुजंगासन और पर्वतासन को अपनी क्षमता अनुसार करना। जहाँ भी किसी को बहुत ज्यादा थकान लग चुकी है, कहीं दर्द हो रहा है, श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, मैं जो काउंटिंग करूंगा उसके साथ, और छोड़ते हुए वापस 1 पर्वतासन। पर्वतासन में पूरा फैलाव, फिर पूरा ध्यान प्रश्वास पर, वज्रासन में आ जाइए। वज्रासन में आपकी बात और लंबा गहरा प्रश्वसन, पूरा ध्यान शरीर से लगा हुआ। जब भी हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी सारी क्रियाएं इस पूरे सत्र में, जितने भी हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और शरीर को विश्राम की स्थिति में ले जाने का अभ्यास करेंगे, उसमें हमारा पूरा ध्यान हमारे आसन, प्राणायाम और क्रियाओं से जुड़ा हो, ऐसा पूरा तैयार करेंगे, तभी हमें इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। लास्ट से लास्ट का भुजंगासन लास्ट राउंड है, उसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे। 1 पूरा 2 पूरा प्रश्वसन, 4 5 6 7 8 9 10 वापस आने के बाद सब आसन में लेट जाइए। पीठ के बल सभी को लेट जाना, पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाइए और पूरा ध्यान अपनी हृदय गति पर, पेट की गति और हृदय गति पर सामान्य श्वास लेते हुए पूरा ध्यान पेट की गति पर, पेट की गति पूरा ध्यान लगा की क्या गति हो रही है। सांस भरते समय हमारे पेट में क्या गति हो रही है और छोड़ते समय क्या गति हो रही है, पूरा ध्यान उसी पर लगाइए। जब हम
चार प्रकार के आसनों का अभ्यास करके, श्वसन क्रियाओं का अभ्यास करके शवासन की स्थिति में लेटते हैं, तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा हमारा पेट की गति भी बढ़ा हुआ है और हृदय गति भी बढ़ी हुई है। इन दोनों को ऑब्जर्व करना, महसूस करना कि आपकी पेट में क्या गति हो रही है, सांस लेते समय और छोड़ते समय। सांस लेते समय पेट हमारा बाहर की तरफ जा रहा है, छोड़ते समय पेट अंदर की तरफ, उसी पर पूरा ध्यान लगाइए। पेट की गति के साथ में हृदय गति को भी देखिए, हृदय गति को देखिए और हृदय गति पर पूरा ध्यान लगाइए। हृदय गति को भी धीरे धीरे सामान्य अवस्था में लेकर आइए और अब आंखें बंद करके रखिए। मैं जैसा निर्देश दूँ उसका आपको पालन करें। आंखें बंद करके रखेंगे और पूरे अभ्यास में हम आंखें बंद करके ही रखेंगे। पूरे अभ्यास में आंखें बंद, और अगला अभ्यास करना है श्वसन के साथ गति। श्वसन के साथ गति में लंबा गहरा श्वसन लेना है, पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाना है और पूरा प्रश्वसन करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचना है। श्वसन के साथ गति, लंबा गहरा श्वसन, पेट गुब्बारे की तरफ फुलाइए और पूरा प्रश्वसन करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचिए, पूरा ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ खींच लीजिए। 5 बार ऐसा अभ्यास करिए। लंबी गहरी सांस ली, पेट को गुब्बारे की तरफ फैलाया, पूरा प्रश्वसन करते हुए पेट को अंदर की तरफ खींच लीजिए। पांच बार ऐसा अभ्यास करने के बाद इस अभ्यास के आनंद लीजिए, श्वसन के साथ अनुभव करना है। अब इस अभ्यास के बाद हमें अनुभव करना है जो भी हम सांस ले रहे हैं शरीर के अंदर, सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर जा रही है और हमारे सारे नकारात्मक विचार बाहर हो, ऐसा महसूस करिए। आंखें हमारी बंद रहेगी और हमें महसूस करना है, अनुभव करना है। श्वसन के साथ ऐसा अनुभव करिए, सांस भरते समय पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के अंदर और छोड़ते समय हमारे सारे नेगेटिव थॉट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी सब बाहर हो रहे, ऐसा महसूस करिए। पूरा ध्यान उसे श्वसन के साथ ऐसा अनुभव करना है, सकारात्मक ऊर्जा शरीर के अंदर और प्रश्वसन करते समय सारे नकारात्मक विचार, तनाव, चिंताएं सब बीमारियां दूर हो रही है, समाप्त करें। और इस अभ्यास का आनंद लीजिए। अगला अभ्यास है श्वसन के साथ हम अकार का उच्चारण करेंगे। जब भी हम ओमकार का उच्चारण करते हैं तो उस ओमकार के उच्चारण की प्रतिध्वनि में अकार, उकार और मकार का उच्चारण होता है। उस अकार, उकार और मकार के उच्चारण में अभी हमें अकार का उच्चारण करना है। श्वसन के साथ अकार का उच्चारण, उस उच्चारण से जो वाइब्रेशन होगा, जो कंपन होगा, उसे हम शरीर के निचले भाग में महसूस करेंगे, कमर से नीचे वाला। उन निर्देशों का आपको पालन करना है, उसी पर पूरा ध्यान लगाकर रखना। अब हम श्वसन के साथ करेंगे अकार का उच्चारण, नीचे लंबा गहरा श्वसन, आंखें हमारी बंद रहेगी। आकार के चरण के संकल्पन को शरीर के नीचे के भाग में महसूस करना, कमर से नीचे वाला किसी भी पूरा महसूस करना है कंपन। एक बार फिर करेंगे तेज वाली, फिर लीजिए लंबा गहरा श्वसन। आकार के उच्चारण से उत्पन्न कंपन को शरीर के निचले भाग में महसूस करें, कमर के नीचे भाग और कमर के नीचे वाले भाग को एकदम विश्राम की अवस्था में ले जाइए और
अवस्था का आनंद लीजिए। आंखें हमारी बंद रहेगी, मैं बार बार आंखें बंद करने का इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारा पूरा ध्यान हमको अभ्यास करने से जुड़ा हुआ है, इसको अनुभव के साथ करना है, महसूस करना है, हर एक अभ्यास को महसूस करते हुए करना है। आंखें हमारी बंद रहेगी, दोनों पैर मिला लीजिए, साइड से करवट लेकर उत्तर देखना है, राइट साइड से करवट देना है, राइट साइड से करवट लेकर बिल्कुल आराम आराम से उत्तर बैठ जाइए और दोनों पैरों को सीधा रखना, दोनों पैरों को सीधा रखिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा वो सीधे से आंखें खोल कर देख सकता है, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ बगल में रखना। अब अगला अभ्यास हम करेंगे आसन का। आसन में हम ऐसे करते हैं क्योंकि हम मध्यम उपचार के लिए ये अभ्यास कर रहे हैं, तो हम बार बार ऐसे आसनों का अभ्यास करेंगे, क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिससे हमारी पेट की जांच पर बार बार दबाव और खिंचाव उत्पन्न न हो, ऐसे आसनों का हम अभ्यास करेंगे। जब नियमित हम ऐसे आसनों का अभ्यास करते हैं, ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारा तनाव दूर होकर हमारी पेट की जांच बार बार उस दबाव और तनाव से दबाव पड़ता है तो दबती है, जिससे उसकी मसाज होती है और धीरे धीरे जब नियमित स्तर में अभ्यास करते हैं तो पेट क्रिया को जितना इंसुलिन करना चाहिए वो प्रॉपरली करने लगती है। अभी जैसा कि सर ने बताया था अभ्यास से पूर्व कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम नियमित इस अभ्यास को करते हैं तो हम मधुमेह को, डायबिटीज को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। इसलिए वज्रासन और वक्रासन की स्थिति के लिए दोनों पैर मिला कर रखिए, दोनों हाथ बगल में, दाहिना पैर मोड़ कर लाइए, बाएं घुटने की एकदम सीध में रखना है, आगे भी नहीं रखना है, ज़्यादा पीछे भी नहीं रखना है, घुटने की सीध में इस पैर को मोड़ कर लाइए, दाएं पैर उसी हाथ को पीछे ले जाइए, दाया हाथ पीछे ले जाइए और हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे कि हम स्पाइन को कहते हैं उसकी सीध में रखेंगे, उसकी सीध में रखने का प्रयास करिए। इसका रीढ़ की हड्डी और हाथ इसको ऐसे 9 मिनट की दूरी पर रखने का प्रयास करिए। दूसरे हाथ को, बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए और पूरा क्रॉस करने का प्रयास करिए, घुटने को ऊपर, इनका पूरा क्रॉस नहीं हो रहा है, इनका पेट बड़ा हुआ है, वो हाथ को ऐसे कोहनी से भी मोड़ सकते हैं, कोहनी से मोड़ कर घुटने को पकड़ना है और पेट की तरफ खींचते हुए गर्दन को धीरे धीरे राइट साइड ले जाइए, गर्दन को धीरे धीरे दाईं तरफ ले जाने का प्रयास करिए। जब आसन की फाइनल पोजीशन में जाते हैं तो ध्यान रखिए कि हमारे पीछे वाले हाथ पर ज़्यादा वजन ना हो, ऐसा प्रयास करिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार देख सकते हैं, किस स्थिति में आना, पीछे वाले हाथ की हमारी स्थिति यही रहेगी, रीढ़ की हड्डी के तीन और आंखें हमारी बंद, आंखें समझ और अनुभव। आप देखिए जैसे ही हम आसन के फाइनल पोजीशन में गए तो हमारी राइट साइड से, राइट साइड के इंटरनल ऑर्गन्स पर दबाव आ रहा है, उस दबाव को महसूस करना है, पूरा ध्यान उस दबाव पर। और जैसे ही हम गर्दन को पीछे ले जाते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी का निचोड़ होता है, रीढ़ की हड्डी का निचोड़ हो रहा है, जो सिस्टम हो रही है उस पर पूरा ध्यान लगाकर रखिए। श्वास प्रश्वास आसन में सामान्य रखना है, जब भी हम योगाभ्यास करें सांस प्रश्वास पर विशेष ध्यान रखना है, कहां पर सांस लेना है, कहां पर छोड़ना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। आसन की फाइनल स्थिति में जाने के बाद सांस प्रश्वास बिल्कुल सामान्य अवस्था में, धीरे से रिवर्स पोजीशन में वापस आएंगे, गर्दन सीधी, श्रोत के बाहर सीधा, पिछले बाहर सीधा, पैर सीधा। अब इसी आसन को हम दूसरी तरफ से करेंगे, अब हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, बाएं बाई तरफ का अभ्यास, बाया पैर मोड़ कर लाइए, दाएं घुटने की एकदम सीध में रखिए और बाया हाथ ही पीछे ले जाएंगे, जिस पैर को मोड़ कर लाएंगे उसी हाथ को हम पीछे ले जाएंगे, दाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, क्रॉस कर लीजिए, जिनका पूरा क्रॉस नहीं हो रहा है घुटने घुटने को पकड़ लीजिए कोहनी से और फिर गर्दन को ले जाइए धीरे धीरे बाई तरफ, बाई तरफ जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा ले जा सकते हैं ले जाने का प्रयास कर लीजिए।
हम देखिए हमारे शरीर के लेफ्ट साइड के इंटरनल ऑर्गन्स पर दबाव, तो इन क्रिया के ऊपर दबाव इस दबाव को मैं ठीक करके अस्त्रोपचार के लिए सामान्य करती हूँ। इसके अलावा तैयारी मुस्कुराता हुआ चेहरा, सुखम सुखम आसनम का अनुभव करना। आसन में आपके चेहरे पर किसी प्रकार का तनाव ना हो, मुस्कुराता हुआ चेहरा और श्वास प्रश्वास आपकी सामान्य। कुछ क्षण इसमें रुकेंगे और हमारी स्थिति को देखेंगे। कुछ क्षण रुकने के बाद फिर से आ जाएंगे वापस, धीरे धीरे वापस आ जाइए। रिवर्स पोजिशन में वापस आते समय कोई जल्दबाजी नहीं करनी, यह विशेष ध्यान रखना कि जब भी हम आसनों का अभ्यास करें हमें जल्दबाजी नहीं करनी। बिल्कुल आराम आराम से वापस ठंडा सब में रिलैक्स कर लेंगे, तीन बार लंबा गहरा सा कर धीरे से आएंगे। अब पद्मासन और वज्रासन लगे पद्मासन में वज्रा नहीं लगते वो सुखासन में बैठ जाएंगे। पद्मासन और वज्रासन को इसलिए कमर से भी गर्दन से भी आंखें बंद। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में पूरक और रेचक की क्रिया करनी है, हिम्मत नहीं करना है, सांस लेना है और फिर छोड़ देना है, रोकने की क्रिया नहीं करना। चाहे हाथ से या तो आप मुद्रा बना सकते हैं तो मुद्रा बना सकते, प्रणव मुद्रा दोनों पता कर रखिए। दो उंगलियों को सीधी रखना है, दाईं तरफ हमारे अंगूठे को रखेंगे और उंगलियों को ऊपर की तरफ भूमध्य तक दोनों के बीच में दाईं पहले सांस लेना है, फिर दाईं दाईं तरफ से ले और बाईं तरफ से लेना। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसे हम नाड़ी प्राणायाम भी कहते हैं, नाड़ियों का शुद्धिकरण। इस प्राणायाम में विशेष रखिए सावधानी क्या रखें, तरफ से हम सांस ले रहे हैं और दाएं से छोड़, इसको विशेष ध्यान रखें। बार बार अपनी अभ्यास करना है, लेफ्ट साइड से सांस लिया फिर राइट साइड से छोड़ा फिर राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, पूरे अभ्यास में हमारे जिस हाथ पर मुद्रा बनाई उस हाथ को ढीला छोड़ कर रखिए, उसको कंधे को ऊपर नहीं ले जाना, कोहनी को ऊपर नहीं रखना, उसको ढीला छोड़ कर रखिए। गर्दन की भी कमर की भी आपके पान पूरे अभ्यास में विशेष सावधानी रखनी है, कमर और श्वास और प्रश्वास की जो समय अवधि है उसका विशेष ध्यान रखना। पूरक करते समय जो हम श्वास ले रहे हैं उसे छोड़ने में ज़्यादा समय लगाना है, इसका विशेष ध्यान रखिए। अगर हम मन ही मन काम करके देखिए 1, 2, 3, 4, 5 गिनने तक अगर श्वास ले रहे हैं तो कोशिश करिए कि 10 गिनने तक छोड़ेंगे, 1:2 का रेशो करने का प्रयास करिए। जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं सांस प्रश्वास पर विशेष ध्यान रखना है। जब हम इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम में कुंभक भी करते हैं तो 1:4:2 का रेशो करते हैं, 5 गिनने तक हमने अगर सांस लिया है तो 20 गिनने तक उसको हम रोक कर रखेंगे और 10 गिनने तक छोड़ना है। पर अभी हमसे पूरक और रेचक की क्रिया करना है, सांस लेना है छोड़ना है, बार बार लेना है बार बार छोड़ना है, छोड़ने में डबल समय लगाने का प्रयास, दो गुना समय करने का प्रयास करिए। प्राणायाम करते समय हमारा पूरा ध्यान हमारी सांस प्रश्वास पर हो, देखिए जितने श्वास ले रहे हैं हमारा पेट
रहा, लंग्स हमारा फैल रहा और डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, जिससे हमारा थोड़ा सा पेट बाहर की तरफ आएगा। सांस भरते समय, छोड़ते समय हमारा छाती, हमारे फेफड़े दोनों संकुचित होंगे, ऊपर की तरफ आएगा, पेट अंदर की तरफ जाएगा। सांस छोड़ते समय इसका विशेष ध्यान रखना, पूरा ध्यान प्राणायाम पर, पूरक और रजत की क्रिया। सांस लेते समय हमारा चेस्ट और लंग्स दोनों फैल रहे हैं, डायफ्राम नीचे की तरफ जा रहा है, जिससे पेट बाहर की तरफ आ रहा है। छोड़ते समय चेस्ट और लंग्स दोनों संकुचित हो रहे हैं, डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, पेट हमारा अंदर की तरफ। पूरा ध्यान प्राणायाम पर ही लगाकर रखना। धीरे से राउंड कंप्लीट करने के बाद धीरे से आएंगे वापस, पूरा राउंड कंप्लीट करना है। जहाँ से आपने स्टार्ट किया था लेफ्ट साइड पर, वहीं पर आकर छोड़ दीजिए। इसका विशेष ध्यान रखना, जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं बाईं तरफ से, वहीं पर आकर छोड़ना है। वापस आने के बाद फिर लंबा गहरा श्वसन, शरीर को अगले अभ्यास के लिए तैयार करिए। अगला अभ्यास है भ्राम। इस भ्रामरी में हम दोनों अंगूठे कान में नहीं लगाएंगे, दोनों हाथ हमारे घुटने पर ही रखिए और जीभ को ऊपर मोड़ कर तालू से लगाइए। जीभ को मोड़िए, ऊपर तालू से लगाइए और मकार के उच्चारण के साथ करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। मकार के उच्चारण के साथ जीभ को मोड़ कर ऊपर तालू से लगाइए, दोनों हाथ घुटने पर ही रहिए, आँख ये बंद रहेगी। लीजिए लंबा गहरा श्वसन, पूरा ध्यान मकार के उच्चारण से उत्पन्न कंपन पर, उस कंपन को महसूस करना। एक बार फिर करेंगे, फिर लीजिए लंबा ध्वनि पर, उस प्रतिध्वनि को महसूस करना है और पूरा ध्यान उसी पर लगा रखें। फिर लीजिए लंबा गहरा श्वसन, एक बार फिर प्रतिध्वनि को महसूस करिए, उस मकार के उच्चारण से उत्पन्न हुए कंपन को महसूस करना है। उसी पर पूरा ध्यान लगाइए और मन पूरी शांति का अनुभव करिए, गहरी शांति का अनुभव करिए, पूरी शांति और गहरी शांति का अनुभव। अगला अभ्यास है साइक्लिक मेडिटेशन, आवर्तन ध्यान। उसके लिए एक एक पैर करके दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, दोनों पैरों को सीधा करके पीठ पर लेट जाइए, आंखें बंद रहिए, आंखें पीठ के बल लेट जाइए, आंखें बंद और साइकिल मेडिटेशन। पूरे अभ्यास में आंखें बंद रखने का प्रयास करेंगे। साइकिलिंग मेडिटेशन में मैं एक प्रार्थना बोलूंगा, प्रार्थना से उत्पन्न कंपन को आप लोगों को महसूस करना है। पूरा ध्यान प्रार्थना से उत्पन्न कंपन पर लगाएंगे, प्रार्थना से उत्पन्न कंपन को महसूस करना। प्रकृति चक्र देख प्यारे, जागे ज्योति तारा, सोम सोम जपते जपते पहुंचे दसने दाराओ। मेरुदंड में पंख नाल है, उल्टी गंग तारे, उसी गंग में सुन लो प्यारे, जो कोई गुजर नावे। प्रकृति माल कर देख प्यारे,
पूरा ध्यान प्रार्थना से उत्पन्न कंपन पर, उस कंपन को महसूस करना है, इसी पर पूरा ध्यान लगा सकते। मन की सारी अवस्थाओं को जानने का प्रयास करिए और मन की चंचल अवस्था को शांत अवस्था में, शांत अवस्थाओं में रहने दीजिए और शरीर को अगला अभ्यास के लिए तैयार करें। आंखें हमारी बंद रहेगी। अगला अभ्यास हम करेंगे इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक IRT। इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक के लिए दोनों पैर मिला लीजिए, एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे, दोनों हाथ बगल में थाई से सटा कर रखिए, चेहरे पर आएगी मुस्कान। अब अपना पूरा ध्यान पैरों की उंगलियों की तरफ ले जाइए, पैरों की उंगलियों की तरफ, पैरों को पंजों को आगे की तरफ खींच के रखिए, दोनों एड़ियों में खिंचाव दीजिए, दोनों पिंडियों में खिंचाव दीजिए। मैं जैसा दिशा निर्देश दूँ उन्हीं का आपको पालन करना है। दोनों पिंडियों में खिंचाव दीजिए, श्वास भरते हुए दोनों नितंब की मांसपेशियों को टाइट करिए, बटक को टाइट करना है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। अब पूरी सांस छोड़ते हुए अंदर की तरफ खींचिए और उसे हाथों की मुट्ठी बनाते हुए टाइट करिए, कलाई को टाइट करिए, कोहनी को श्वास भरते हुए टाइट करिए, कंधों को टाइट करिए, गहरे सांस भरते हुए केस को बुलाइए और उसे टाइट करिए, गर्दन चेहरे और सिर की सभी मांसपेशियों को टाइट कर दीजिए, पैरों की उंगलियों से लेकर सिर तक के भाग को टाइट करना, पूरा टाइट करिए, शरीर के सारे अंगों को एक साथ टाइट करिए, दोनों मुट्ठियों को और दबा दीजिए, और टाइट करिए, और टाइट करिए, और टाइट करिए, और अब पूरी सांस छोड़ते हुए पूरा शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पूरा शरीर एकदम विश्राम की अवस्था में, विश्राम की अवस्था में ले जाइए। दोनों पैरों में गेज, दोनों हाथों की हथेली आसमान की तरफ, दोनों पैरों में अंतर रखिए और पूरा शरीर शिथिल अवस्था में छोड़ दीजिए, एकदम इसको विश्राम की अवस्था में ले जाइए और इस अवस्था का आनंद लीजिए। इंजॉय द रिलैक्सेशन, इंजॉय द रिलैक्सेशन। दोनों पैर फिर मिलाइए, राइट साइड में, राइट साइड टर्न करिए, राइट सर्वोत्तर आइए, दाई सर्वोत्तर आ जाइए, दाई सर्वोत्तर आ जाइए, दाएं हाथ को सिर के नीचे ऊपर सीधा कर दीजिए और बाएं हाथ को दाई कंधे पर रखना, पूरा शरीर आपका एक चीज में एक लाइन में रखना है, दाई सर्वोत्तर रोक कर रखिए, अपने शरीर के संतुलन को देखिए, पूरे ध्यान को शरीर के एक लाइन में रखिए। कुछ समय रोकने के बाद धीरे से दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से बिना झटके से उठकर बैठिए, आंखें हमारी बंद रहेगी और खड़े हो जाइए, बिल्कुल आराम आराम से खड़े हो जाइए, आंखें हमारी बंद और शरीर में को महसूस करिए, शरीर में रक्त का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ, शरीर में रक्त के प्रवाह को महसूस करना है, शरीर में रक्त के प्रवाह को महसूस करिए और शरीर में हो रहे परिवर्तन को महसूस करिए, शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है इतना हम करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करिए, दोनों पैर मिलाकर रखिए, दोनों हाथ बगल में, भ्रामरी प्राणायाम के लिए जीभ को बहुत अच्छी तरह से लगाइए और मकार के उच्चारण के साथ फिर भ्रामरी प्राणायाम लीजिए, लंबा गहरा श्वसन, पूरे शरीर में महसूस करना है, पूरे शरीर में महसूस करिए, एक बार फिर करेंगे तेज आवाज में, लीजिए लंबा गहरा श्वसन, पूरे शरीर संतुलन क्रिया, संतुलन क्रिया तारा करनी,
सारा समय कंपनी के लिए दोनों आई बंदी मिला लीजिए, दोनों हाथ बगल में खाली से खटा कर रखिए, आंखें हमारी बंद रही, आंखें बंद रखना, दोनों पैरों को मिला रखिए, मैं जैसा निर्देश हूँ उन निर्देशों का पालन करना, पूरे शरीर का भार दोनों पंजों के ऊपर शिफ्ट करिए, दोनों पंजों के ऊपर ले जाइए, बिना एड़ियों को उठाए एड़ियों को नहीं उठाना है, शिफ्ट करिए दोनों पंजों के ऊपर, अवेयरनेस का अनुभव करिए, धीरे से आएंगे वापस, बिल्कुल धीरे वापस गई, पूरे शरीर का भार दोनों एरियों को बढ़ जाएंगे, बिना पंखों को उठाए बिना कमर से झुके पूरे शरीर का भार दोनों एरियों को ऊपर एक ट्रस्ट कर महसूस करिए, परफेक्ट अवेयरनेस का अनुभव करिए, धीरे से आएंगे वापस, पूरे शरीर का भार मध्य में लेकर आइए और जैसे पूरे शरीर का भार दाएं पर बाएं पैर के किनारे पर दाएं पैर के किनारे पर लगाइए, राइट साइड पूरे शरीर का भार दाएं पैर के किनारे पर राइट साइड पूरा शिफ्ट करिए, धीरे से आएंगे वापस, पूरे शरीर का भार दाएं पर दाएं पैर के किनारे पर लगाइए, अनुभव करिए, पूरे शरीर का भार दोनों पैरों पर बराबर एक प्रश्न पर महसूस करिए, सर पे सर्वे ने अनुभव करिए, अपने शरीर परिवर्तन को तीनों तरफ से महसूस करिए, थ्री अवेयरनेस का अनुभव करना, चेहरे पर मुस्कान, आपके हमारी बनी रहेगी, शरीर को अगले अभ्यास के लिए तैयार करें, अगला अभ्यास दोनों पैर मिलाकर रखिए, अगला अभ्यास है अर्धपति चक्रासन, धीरे से दोनों पैर मिलाकर रखिए, राइट हैंड को बिल्कुल धीरे धीरे लेकर आइए साइड से, शोल्डर के सीध में लेकर आइए, शोल्डर के सीध में लेकर आइए, हथेली को ऊपर की तरफ ले जाइए, बिल्कुल आराम आराम से करना और धीरे धीरे ले जाइए ऊपर की तरफ, टांग से लगाइए, टांग से लगाकर झुक जाइए दाएं तरफ, दाएं तरफ झुकी अर्धपति चक्रासन, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा वो धीरे से हाथ खोलकर देख सकते हैं, दोनों पैर मिलेंगे, राइट हैंड लेके टांग ऊपर ले जाइए, टांग से लगाइए और दाएं तरफ झुक जाइए, दाएं हाथ को बिल्कुल सीधा रखना, कोने से सीधा जैसे मोर बनी रखना, सीधा रखिए, सीधा रखिए, कोने के लिए उनको सीधा रखिए और दाएं हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ रखिए, दाएं तरफ जो खिंचाव है खिंचाव को महसूस करिए, ब्यूटी पुलिस है ऊपर की तरफ खींचिए और दाएं तरफ झुक जाइए, अब दाएं तरफ झुकिए, दाएं हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, दाएं हाथ को बिल्कुल ढीला छोड़िए, दाएं तरफ जो खींचा और खींचा पूरा ध्यान उसी पर लगाकर रखिए, कोई भी को आगे में जाने दीजिए सीधा रखिए और पूरा ध्यान आने वाले की क्या होगा, धीरे से रिवर्स पोजिशन में आ जाएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस जाइए, वापस आने के बाद लंबा गहरा सांस लीजिए, अगला अभ्यास लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे से वापस आने के बाद आराम से देख से बनी रही वज्रासन में बैठना, वज्रासन में बैठ जाइए, शरीर में हरे परिवर्तन को महसूस करिए, शरीर में हरे बदलाव को महसूस करना, शरीर के संतुलन को महसूस करिए और चेहरे पर स्माइल मुस्कुराता हुआ चेहरा, शरीर में हरे बदलाव को महसूस करना है और इसका आनंद लीजिए, आसन जिसे शशांक आसन भी कहते हैं, दोनों हाथ पीछे ले जाना है, लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड की कलाई को पकड़ लीजिए और पूरी सांस छोड़ते हुए आगे झुकना, पूरी सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाइए, दोनों हाथों को ऊपर नहीं उठाना, अपनी क्षमता अनुसार झुकने का प्रयास करिए, फाइनल पोजिशन में हमारे पूरे मस्तिष्क को जमीन से टच करने का प्रयास करना, फाइनल पोजिशन में हम फोरहेड को जमीन से लगाएं, माथे को जमीन से लगा दीजिए, जब फाइनल पोजिशन में जाएंगे तो हम देखेंगे
श्वसनांगासन में सिर की तरफ से तेजी से रक्त का प्रवाह होता है, इसलिए तेजी से रक्त का प्रवाह सिर की तरफ, ब्लड सर्कुलेशन हमारा ब्लड फ्लो सिर की तरफ और हमारे थाइस से हमारे अब्डोमन का और चेस्ट का जो स्पर्श है उस स्पर्श को महसूस करना है, उस स्पर्श को महसूस करिए, उस स्पर्श को महसूस करिए और हृदय की धड़कन और नाड़ी की गति को महसूस करिए। इसलिए हमको सांस प्रश्वास बिल्कुल सामान्य करने दीजिए, सांस प्रश्वास बिल्कुल सामान्य करने दीजिए। इसी में हम करेंगे मकार का उच्चारण, उसी में मात्र को हम कला कर रखिए, उसी में हम मकार का उच्चारण करेंगे। लंबा रहता था सर मकार के उच्चारण को महसूस करिए, पूरा ध्यान मकार के उच्चारण से उत्पन्न कंपन पर, उस कंपन को देखिए, उस कंपन को महसूस, उस कंपन को महसूस करिए। आएंगे वापस वापस करिए, वापस आने के बाद घुटने के बल खड़े हो जाइए, इसका विपरीत आसन करेंगे, उत्प्रासन अर्ध उत्प्रासन। अभी हमने करा था शशांक आसन, शशांक आसन में हमारी दोनों थाई से हमारे अब्डोमेन के ऊपर हमारे इंटरनल ऑर्गन पर पूरा दबाव था, ज्यादा से ज्यादा दबाव, और अब इसका विपरीत आसन है अर्ध उत्प्रासन। अर्ध उत्प्रासन के लिए दोनों हाथ घुसिए, कमर पर रखिए और कमर से धीरे धीरे पीछे की तरफ घुस जाइए, गर्दन को पीछे रखा दीजिए, जहां तक आपकी क्षमता है वहां तक जाने का कर जाइए। और अब देखेंगे कि जैसे ही शशांक आसन में दबाव था वहां अभी उत्प्रासन में पूरा खिंचाव, हमारे इंटरनल ऑर्गन पर जबरदस्त खिंचाव आ रहा, खिंचाव को महसूस करिए, किडनी पैंक्रियास लीवर स्प्लीन सभी पर जबरदस्त खिंचाव, उस खिंचाव को महसूस करिए, नाड़ी की गति और हृदय की धड़कन को महसूस करिए, पूरे शरीर में अनुभव करना है, इसमें हमको करना है आचार का उच्चारण, लीजिए लंबा गला से सर अनुभव करिए, धीरे से आएंगे वापस, बिल्कुल धीरे धीरे वापस हो जाइए, वज्रासन में बैठ जाइए, एक एक फेर करके दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाइए। अब हम करेंगे डीप रिलैक्सेशन, डीप रिलैक्सेशन के लिए पीठ के बल लेट जाइए, आंखें बंद रहेगी, डीप रिलैक्सेशन के लिए पूरा शरीर बिल्कुल ढीला, शवासन की स्थिति, शवासन की स्थिति, लास्ट स्टेज है हमारा शवासन, इस पूरे सत्र की लास्ट शवासन, इस पूरे सत्र में अभी हमने जो अभ्यास किया आसन प्राणायाम और कुछ शरीर को विश्राम की स्थिति में ले जाने की क्रियाओं का अभ्यास किया, उन क्रियाओं का अपने मन में ध्यान करिए, पूरा अनुभव करिए। शवासन में हम शरीर को तीन भागों में बांट देते हैं, कमर से नीचे, कमर से गर्दन के बीच वाला हिस्सा, गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा, तीनों को हम विश्राम की अवस्था में ले जाएंगे और अनुभव करते जाना है। आज हमने जो अभ्यास किया उसका तो मैं जैसा निर्देश दूँ उसी पर पूरा ध्यान लगाते हुए शरीर के हर एक भाग को, हर एक जोड़ को, हर एक मांसपेशी को ढीला छोड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों के पंजों को ढीला छोड़ दीजिए, उनके हर अंगूठों को ढीला छोड़िए, दोनों एक छोड़ दीजिए, समय अवधि को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ूंगा, तेजी से बोलूंगा, आपको पूरा ध्यान उसी पर लगाना है। दोनों एड़ियों को ढीला छोड़िए, दोनों पैरों के तलवों को ढीला छोड़िए, दोनों इनका टखने बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पिंडलियों को ढीला छोड़िए, मैं जिस बात का मान लू उसी पर पूरा ध्यान लगाकर उसे विश्राम की अवस्था में ले जाना है। दोनों घुटनों को टाइट करिए और फिर ढीले छोड़ दीजिए, दोनों थाई जंघाओं को टाइट करिए फिर ढीले छोड़ दीजिए, दोनों नितंब सटक को सांस भरते हुए टाइट करिए और फिर ढीले छोड़ दीजिए,
कमर को थोड़ा सा हिलाइए हिलाइए और कमर वाला हिस्सा बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पैरों से पंजे से लेकर कमर तक का भाग बिल्कुल विश्राम की स्थिति में ले जाइए। अब कमर से ऊपर की तरफ धीरे से हमारा ध्यान हम लगाएंगे पीठ की तरफ। पीठ का निचला हिस्सा ढीला छोड़िए, पीठ वाला हिस्सा ढीला छोड़िए, पीठ का ऊपरी हिस्सा ढीला छोड़ दीजिए। पीठ के बीच में एक रीढ़ की हड्डी स्पाइनल मनके के समान जो कशेरुकाएं हैं उन्हें बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए। 33 वसुद्रास बिल्कुल ढीली छोड़िए। उन वसुद्रास के बीच से 31 नर्व के जो पैर निकले हैं उनको बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सभी कशेरुकाओं को ढीला छोड़ दीजिए। सर्वाइकल लिगन, थोरैक, लंबर, सेक्रल और कॉर्सेट लिगन बिल्कुल ढीला छोड़िए। धीरे से अपना ध्यान दोनों कंधों की तरफ ले जाइए, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। सर, आज आपने मधुमेह जैसे सर्वसामान्य रोगों पे नियंत्रण पाने के लिए बहुत अच्छी आसनों के बारे में जानकारी दी है और मधुमेह के लिए हमारा डर कम कर दिया है। आपकी इस बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए मैं श्री जितेंद्र परमार जी का मनपूर्वक आभार व्यक्त करती हूँ और आज इस सत्र में जुड़े सभी हमारे मित्र और परिवारजनों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे। Mm-hmm.